अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास वो भी आपने क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस या क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की जो दूसरी रीज़न है यानी कि ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान और इंटरेस्टिंग सा है, ये आपको सारा आता होगा। ठीक है बेटे, सो ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस हो सकता है लेकिन ये हमारे पास 10% है, ये लेस कॉमन है एज कम्पेयर टू एच पायलोरी। अब ये जो ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस है बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें होता क्या है, तो वो कहता है कि इसमें ये होगा अगर हम उसकी बात करें, सॉरी बेटे, हाँ हम लोग अगर बात करें इसकी थोड़े से फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स में आपने ये बात याद रखनी है एज कम्पेयर टू एच पायलोरी, ये स्पेयर करता है एंट्रम को, यानी एंट्रम को इन्वॉल्व नहीं करता जबकि वो एंट्रम को इन्वॉल्व करता था। तो ये इन्वॉल्व किसको करता है, ये यूजुअली आपके जो फंडस होता है स्टमक का और जो बॉडी होती है ना उसको इन्वॉल्व करता है। एक ये बात, दो तीन हम इसके पॉइंट्स लिखेंगे फिर मैं उन पॉइंट्स को आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो इसने फंडस को इन्वॉल्व किया। दूसरा आपने ये याद रखना है कि इसका फीचर होता है ये हाइपर गैस्ट्रोनीमिया कॉज करता है, वो ऐसा कुछ भी कॉज नहीं करता था, वो गैस्ट्रिक को स्टिमुलेट करके एसिड के प्रोडक्शन को ज्यादा करता था, ये गैस्ट्रिक के प्रोडक्शन को ज्यादा करता है, हाइपर गैस्ट्रोनीमिया करता है। ठीक है, अच्छा हाइपर गैस्ट्रोनीमिया के बाद बेटे आपने ये याद रखना है कि इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है, इसके ये फैक्टर्स आप याद रखोगे कि एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनती हैं, पैराइटल सेल्स के अगेंस्ट, और जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ना स्टमक में पैराइटल सेल से बनता है उनके अगेंस्ट, जब उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं तो हम उन एंटीबॉडीज को सीरम में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये मसला है, दूसरा इशू क्या है इसके अंदर, ये पेप्सिनोजन के जो लेवल्स हैं ना वो कम हो जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखने हैं, क्यों कम होते हैं मैं बताती हूँ। तीसरी बात वो कहता है इसमें आपको ये मैनिफेस्टेशन मिलती है कि जो एंट्रल को ये खुद तो स्पेयर कर देता है, खुद तो एंट्रम रीजन को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी एंट्रल सेल का ना हाइपरप्लेजिया मिलता है। क्यों हाइपरप्लेजिया, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। साथ ही आपको ना B12 की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, और जो B12 की हो जाती है तो उससे क्या होगा वो भी बताती हूँ, और एक क्लोर हाइड्रिया भी हो जाता है। ये आपने पांच लव्स याद रखने हैं कि इसकी वजह से एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, पेप्सिनोजन कम है, एंट्रल सेल में हाइपोप्लेजिया हो रहा है, B12 डेफिशिएंसी हो रही है, और एक क्लोर हाइड्रिया हो गया। अब बेटे इनको ना एक्सप्लेन करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस में, बल्कि मैं आपको यहां नेक्स्ट पेज बताती हूँ ताकि आपका सारा एक जगह पे आ जाए। तो कहते हैं इसकी पैथोजेनेसिस में आप ये बात याद रखेंगे कि होता क्या है कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं इम्यून मेडिएटेड, और ये एंटीबॉडीज डायरेक्टेड हैं अगेंस्ट द पैराइटल सेल ऑफ स्टमक। ठीक है बेटे, जब पैराइटल सेल्स को ये एंटीबॉडीज जाके डिस्ट्रॉय कर देंगी तो मुझे बताओ पैराइटल सेल्स में से क्या बनता है, पैराइटल सेल्स में से दो चीजें बनती हैं। ठीक है, एक पैराइटल सेल्स में से HCL बनता है और दूसरा पैराइटल सेल्स में से इंट्रिंसिक फैक्टर बनता है। जब HCL नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, एक क्लोर हाइड्रिया। तो एक कॉम्बिनेशन हमने देख लिया कि वो क्यों होता है। दूसरा बेटे, इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत जरूरी है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए, ये उसको लोड करता है और इंटेस्टाइन ले जाता है। अगर ये नहीं होगा तो B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अगर B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो जो दो कंडीशंस मैंने लिखवाई कि एक क्लोर हाइड्रिया और B12 डेफिशिएंसी, वो आपको समझ आ गई, तो ये होता है इससे एक बात। दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास HCL नहीं है, ठीक है, और साथ में ये एसिड भी है, तो जाहिर है आपके पास क्या हो जाएगा, पैराइटल सेल से वो भी होता है, पैराइटल सेल्स के पास ही प्रोटॉन पंप होता है जो बेसिकली एसिड बना रहा होता है, तो आपके पास जो एसिड की प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, ये तीन कंडीशंस होगी ना, एक दो तीसरी ये हो गई कि एसिड की प्रोडक्शन कम हो गई। अब आपको पता है जब एसिड की प्रोडक्शन कम है तो एसिड को बढ़ाने के लिए सिग्नल्स किधर जाएंगे, एंट्रम में सिग्नल जाएंगे, और एंट्रम के सेल्स को बार बार स्टिमुलेट किया जाएगा कि एसिड कम है, गैस्ट्रिन बनाओ, तो एंट्रम क्या बनेगा, गैस्ट्रिन बनाएगा। जब एंट्रम बहुत ज्यादा गैस्ट्रिन बनाएगा तो एक तो हाइपर गैस्ट्रिनीमिया हो जाएगा, बेटे गैस्ट्रिन ने यूजली पैराइटल सेल्स पे एक्ट करना और वहां से एसिड बनाना है, तो ये फीडबैक इनहिबिशन होगी, लेकिन चूंकि पैराइटल सेल डिस्ट्रॉय हुए हैं तो गैस्ट्रिन कहां एक्ट करे, कहीं पर भी नहीं, हाइपर गैस्ट्रिनीमिया हो जाएगा, वो भी टर्म आ गई यहां पे, और चूंकि एंट्रम कंटिन्यूसली स्टिमुलेट हो रहा है तो एंट्रल हाइपरप्लेजिया भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपको बात समझ आ रही है कि जो सारी मैनिफेस्टेशंस है वो किस तरह से हैं कि पेशेंट के पैराइटल सेल्स बेसिकली डिस्ट्रॉय है, जिससे एनीमिया भी हो जाएगा, जिससे एक क्लोर हाइड्रिया भी हो जाएगा, जिससे हाइपर गैस्ट्रोनीमिया भी हो जाएगा और हाइपरप्लेजिया ऑफ एंट्रल सेल्स भी हो जाएगा। फाइनल चीज रह गई कि पैराइटल सेल्स के साथ साथ आपके पास ना जो चीफ सेल्स हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे, और चीफ सेल्स क्योंकि बेसिकली पेप्सिनोजन बनाते हैं तो वो नहीं बनेगा, सो पेप्सिनोजन के नंबर भी कम हो जाएंगे। तो ये पांच छह चीजें हैं जो आपको क्लियर कट आउट इम्यून गैस्ट्राइटिस की आनी चाहिए। अब बात आ जाती है इसकी मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी इसकी इंपॉर्टेंट है, वो आ सकती है पेपर में। तो मॉर्फोलॉजी में वो ये कहता है कि आपने ये याद रखना है कि हमारे पास ना बहुत डिफ्यूज डैमेज होगा ऑक्सेंट्रिक सेल्स का। ठीक है, सो जो ऑक्सेंट्रिक सेल्स हैं जो बेसिकली पैराइटल सेल्स हैं, पैराइटम में प्रेजेंट होते हैं, वो ऑक्सेंट्रिक सेल्स डिफ्यूजली क्या हुए हुए होंगे, डैमेज हुए हुए होंगे। जब वो डैमेज हो जाएंगे तो हमारा जो गैस्ट्रिक बॉडी और फंडस है जहां पर ये सेल्स थे, वो जो म्यूकोजा है वहां का, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। ठीक है, म्यूकोजा में आपको ट्रॉफी फील होगी।
दूसरा क्या होगा, इसकी वजह से इनफिल्ट्रेट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि है तो गैस्ट्राइटिस ना, तो इनफिल्ट्रेट्स में न्यूट्रोफिल्स रेयर हैं, ज्यादातर आपको लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे, काफी ज्यादा एलिवेटेड होंगे। थर्ड बात वो कहते हैं कि जो आपके पैराइटल सेल्स हैं और जो चीफ सेल्स हैं वो भी जाहिर है क्या हो जाएंगे, लॉस हुए हुए होंगे, तो बड़ा एक्सटेंसिव उनका भी लॉस है। एंड फोर्थ चीज, यहाँ पे भी आपको इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया मिल सकता है। तो बस ये आपने इसकी मॉर्फोलॉजी में बताना है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है बेटे? तो ये कुछ उसने वहां पे आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। सो अब यहां तक मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, यहां तक मैंने आपको पढ़ाई है तीन चार चीजें, ठीक है? अब उनकी जरा हम बात कर लेते हैं। हमने कहा गैस्ट्रोपैथी क्या है, फिर हमने कहा एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या है, फिर हमने कहा स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस क्या है, फिर हमने कहा क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस क्या है, ठीक है? गैस्ट्रोपैथी में इंजरी थी लेकिन इन्फ्लेमेशन नहीं थी, इसमें इंजरी भी थी इन्फ्लेमेशन भी थी, एक्यूट मैनिफेस्टेशन थी, ठीक है? पेशेंट को न्यूट्रोफिल्स बहुत थे, कंजेशन थी, हाइपरीमिया था, ब्लीडिंग हो रही थी वगैरह वगैरह। यहां पे ब्लीडिंग नहीं है क्योंकि इतनी ज्यादा सीवियर डिजीज नहीं है, इतनी कंजेशन नहीं है, इतना ब्लड नहीं है वहां पे, सो इन ब्लीडिंग नहीं है। हमने स्ट्रेस रिलेटेड अल्सर की बात की, जो यूजली आपके ट्रोमा के बाद, सर्जरी के बाद, किसी डिजीज के बाद, किसी मेजर सर्जरी के बाद आपको डेवलप हो सकते हैं। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हमने कहा या तो पाइलोरी की वजह से, और पाइलोरी के पैथोलॉजिकल फैक्टर्स देख लिए कि उसमें फ्लैजेला होता है, एडहीजन मॉलिक्यूल है, यूरिएज है, और देन टॉक्सिन है। और इधर हमने कहा ऑटो इम्यून, तो ऑटो इम्यून में बेसिकली एंटीबॉडीज हैं। अब ये जो एच पाइलोरी एंड ऑटो इम्यून है ना बेटे, इनको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। थोड़ी सी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट मैं जरा आपको बताती हूँ कि इसके क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे कि हमारे पास है एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, ठीक है। सो एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस में अगर मैं रीजन की बात करूँ तो मैंने क्या बताया था, इसमें इन्वॉल्व होता है यूजुअली एंट्रम, एंट्रिक गैस्ट्राइटिस होता है। इसमें एंट्रम को ये स्पेयर कर देता है, एंट्रम को तो ये इन्वॉल्व ही नहीं करता, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है इनफिल्ट्रेट्स के बारे में, तो इनफिल्ट्रेट्स में हमने कहा कि जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का पाइलोरी वाला है ना, बेशक वो क्रॉनिक है लेकिन यूजुअली वहां पे न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस। इसमें न्यूट्रोफिल्स नहीं है, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। देन कहता है कि अगर हम लोग बात कर लें आपकी एसिड की सिक्रीशन की, तो एसिड जो है वो एक पाइलोरी की वजह में से बहुत ज्यादा हुआ हुआ होता है, और इसमें तो एसिड होता ही नहीं क्योंकि पैराइटल सेल जिन्होंने एसिड बनाना है वो डिक्रीज हो गया। अगर हम गैस्ट्रिन की बात कर लें तो इसमें गैस्ट्रिन नॉर्मली होता है लेकिन इसमें गैस्ट्रिन बहुत ज्यादा है, हाइपर गैस्ट्रिनीमिया हो जाता है। अगर हम B12 की बात करें तो यहां पर कोई डेफिशिएंसी नहीं थी, यहां पर B12 की डेफिशिएंसी होती है। अनीमिया साथ में देखें तो यूजली नहीं मैनिफेस्टेटेड होता लेकिन पेशेंट को साथ में गैलोब्लास्टिक अनीमिया भी होता है। अगर एंटीबॉडीज डिटेक्ट करें तो इसमें एंटीबॉडीज सीरोलॉजी टेस्ट पे मिलेंगी अगेंस्ट एच पाइलोरी, जबकि इसमें एंटीबॉडीज मिलती है पैराइटल सेल के अगेंस्ट और इंट्रेंसिक फैक्टर के अगेंस्ट, ठीक है बेटे। उसके बाद कहता है कि बस ये, और ये ज्यादा 90% कॉमन है और ये 10% कॉमन है। इसका बड़ा अच्छा एक चार्ट सा भी आपकी बुक में बना हुआ है, आप लोग उसको भी देख सकते हो। यहां तक मैंने आपको गैस्ट्रोपैथी और गैस्ट्राइटिस एक्यूट एंड क्रॉनिक बता दिया है, पढ़ा दिया। इसमें से कोई भी मसला है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे अल्सर्स, और बेसिकली ये जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है अगर आप इसको ट्रीट नहीं करोगे तो इसकी तीन मैनिफेस्टेशन है, या तो अल्सर डेवेलप हो जाता है या जो इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। गैस्ट्रिक एट्रोफी के अलावा वो कहता है इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया स्टार्ट हो जाता है। ये मेटाप्लेजिया को अगर ट्रीट नहीं करोगे तो डिस्प्लेजिया स्टार्ट हो जाएगा, और डिस्प्लेजिया आगे क्या कर देगा, कार्सिनोमा कर देगा। सो आगे हमने सीक्वेंस वाइज पहले अल्सर्स पढ़ने और फिर हमने डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया और कार्सिनोमा पढ़ना है, फिर स्टमक की पैथोलॉजी विल फिनिश्ड।